हेलो दोस्तों, आज की ये वाली वीडियो माइनक्राफ्ट लवर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो इस वाले वीडियो में हम बनाने वाले हैं 3 ऐसे फार्म्स जो किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम एक काउ फार्म बनाएंगे। काउ फार्म के लिए इतने सारे टूल्स काफी है और एक फेंस भी चाहिए होगा जो भी मैं नहीं ले रहा हूँ। सेम तरीके से आप कोई भी फार्म बना सकते हो, शीप्स वगैरह का। अगर पिक का भी कोई फार्म बना रहे हो तो यहाँ पे एक चर्च लगाना है, इसके ऊपर एक हॉपर लगाना है। अब ये जो हॉपर है ना, इसको चारों तरफ से आपको कवर करना पड़ेगा ताकि जो पिक वगैरह है या फिर जो काऊ वगैरह वो यहाँ से बाहर ना जाएं। और इनको लाने के लिए ना, आप इनके लिए थोड़ा सा एक स्टेयर टाइप भी बनाना पड़ेगा। चाहे आप स्टोन लगा दो या फिर कोई स्टेयर्स वगैरह लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको ऊपर लाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे गड्ढा, दो ब्लॉक और ऊपर लेके जाना है ताकि वो यहाँ से बाहर भी ना जाएं। और अगर आप सर्वाइवल में इनको लेके आ रहे हो तो आप इनको ऐसे लेके आ सकते हो जैसे हम यहाँ पे दो काउस लगाएंगे, और इनको थोड़ा सा खाना दिखा के आप इजीली इनको ऊपर लेके जा सकते हो। बाद में इनको एक छोटे से गड्ढे में फंसाना है। याद रखना, दो से ज़्यादा आपको लेके आने हैं, ताकि उनको बाद में ब्रीड भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इनको मारना नहीं है, ऑटोमेटिकली मर जाएंगे आप। ये इस गड्ढे, छोटे से गड्ढे में कम से कम 24 तो आई थिंक हो जाएंगे। 24 के बाद जितनी भी आ जाती है वो ऑटोमेटिकली मर जाती है। पहले इसको फंसा देते हैं यहाँ पे एक स्टोन लगा के। अब इसको नीचे से ऊपर धक्का दे के इसमें गड्ढे में गिरा सकते हैं। अगर नहीं गिरते आप यहाँ पे दो स्टोन लगा सकते हो और उसको धक्का दोगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा। बाकी इसको ऊपर से अभी तोड़ के बंद करना पड़ेगा, यहाँ से भी तोड़ना पड़ेगा और यहाँ से भी। ये एक्स्ट्रा ब्लॉक्स है, जो भी आपने एक्स्ट्रा ब्लॉक्स लगाए वो सब नीचे तोड़ने हैं, स्टेयर्स वगैरह भी। मैं ज़्यादातर यहाँ पे स्लैब्स लगाता हूँ ताकि हम नीचे से भी इनको एक्सेस कर सकें। वैसे इनको मारना नहीं होता, बस खाना खिलाना होता है। और यहाँ से इसको तोड़ते हैं, एक स्लैब लगा लेते हैं। मैं ऊपर वाले स्टोन भी आई थिंक सोच रहा हूँ तोड़ दूँ, ताकि ऊपर भी स्लैब्स वगैरह ही लगा दें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा हल्का भी रहता है। बाकी एक्सेस तो आप इनको कहीं से भी कर सकते हो। सबसे पहले ये वाले स्टोन भी तोड़ ही देते हैं और यहाँ पे भी स्लैब्स लगा लेते हैं, यहाँ पे भी स्लैब्स। आप चाहो तो स्टोन भी रख सकते हो, वो एक छोटी सी बात है। ऊपर एक फेंस लगा दो ताकि ये यहाँ से बाहर ना आ जाए जब हम नीचे पानी लगाते हैं। तो यहाँ पे पानी अभी, ये क्यों, आप बैठ के पानी लगाना पड़ेगा तभी आप पानी लगा सकते हो। और ऊपर जाके आप इनको खाना खिला सकते हो और ये ब्रीड कर देंगे। जब ये 24 से ज़्यादा हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली मरना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ से खाना मिलता रहेगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टार्टर फार्म। तो उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। एक स्मेल्टर बनाने के लिए बस दो चेस्ट लगानी है। दो चेस्ट लगाने के बाद इसी चेस्ट के ऊपर आपको दो हॉपर लगाने हैं। तो दो हॉपर लग गए, तो दो हॉपर के ऊपर भी आपको दो फर्नेस लगाने हैं। तो दो फर्नेस लग गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इसके ऊपर आपको दोबारा से दो फर्नेस लगाने हैं। इन दो फर्नेस के ऊपर आपको दो चेस्ट एडजस्ट करने हैं। अब नीचे आना है, ये दो फर्नेस जो है ना, इनके बैक साइड पे आपको दो हॉपर लगाने हैं ताकि इसमें फ्यूल एडजस्ट करें। और इसी के ऊपर आपको दो चेस्ट भी लगाने हैं। ओके, तो ये लग गए दो चेस्ट। और सामने की तरफ से आप या कहीं से भी आप इनके दो लेवर लगा दो। अभी आपको अपने फूड फार्म से फूड लेना है, इधर ऊपर वाली चेस्ट में लगा देना है। फ्यूल वाली चेस्ट में आपको फ्यूल भी डालना है जो पीछे लगाई है। और सामने इसके दो लेवर है, ऑन ऑफ भी कर सकते हो, तो आपका खाना कुक होके आपके चेस्ट में आ जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थर्ड फार्म, जो भी स्टार्टर फार्म है। तो ये एक फ्यूल फार्म होने वाला है, जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत कॉल्ड्रोन चाहिए। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो तो उतने आप कॉल्ड्रोन यहाँ पर लगा दो। जैसे मैं 3x3 का एरिया बनाना चाहता हूँ, तो जिसमें 9 कॉल्ड्रोन लग जाएंगे। दो स्टोन आपको यहाँ पे लगाना है, तीसरा ऊपर लगाना है। आप जितने कॉल्ड्रोन नीचे लगाए उतने ऊपर आपको स्टोन भी लगाने हैं। जैसे मैंने 9 कॉल्ड्रोन लगाए तो मेरे को 9 स्टोन भी लगाने हैं। तो इसी के ऊपर, इसके नीचे से मेरे को ना एक ड्रिप स्टोन एडजस्ट करना है, ताकि लावा जो है वो ड्रिप होके नीचे कॉल्ड्रोन में जमा होता रहेगा। और ऊपर से ना इसको चारों तरफ से बंद करना है, ताकि इसके अंदर हम लावा को बंद कर सके, ताकि वो बाहर ना आए। चारों तरफ से इसको हम कवर कर लेंगे स्टोन के साथ। ओके, हर एक साइड पे कवर करने के बाद आपको इसके अंदर लावा भरना है हर एक स्टोन में, ताकि वो लावा ड्रिप होके नीचे कॉल्ड्रोन में चला जाएगा। और यहाँ से आप ढेर सारे चेस्ट उठा के ये सारा लावा जो है ना, ये बकेट वगैरह में भर सकते हो। और जो हमने अभी स्मेल्टर फार्म बनाया था उसमें फ्यूल के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी हमारे पास 3 फार्म आ चुके हैं। सबसे पहला फूड फार्म है, जहाँ से आप फूड उठा सकते हो। बाद में स्मेल्टर फार्म में आप लगा सकते हो, ताकि ये ऑटोमेटिकली कुक होके आपको मिल जाए। लावा को आप एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।